नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मैंने जो ट्रेड लिए वो कौन से लॉजिक पे लिए हैं और कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं, पहला जो ट्रेड था मेरा 10:16 पे ये ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था और जो दूसरा ट्रेड था वो मैंने 11:37 पे लिया था। पहला ट्रेड जो निफ्टी में एक लॉट था उसको मैंने एक स्टॉप लॉस से मैक्सिमा में जाने के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, तो ये 12:41 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड ट्रेड जो था बैंक निफ्टी का, इस पर एक लॉट पे मैं ट्रेल कर रहा था तो ये बाइंग कॉस्ट 220 थी और 321 पे हिट हो गया। उसके बाद में एक लॉट पे मैंने बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के और इसको छोड़ दिया था, तो ये 3:20 पे तीन बजे ये जो है हिट हो गया और मैं आउट हो गया। तो कुल मिला के हम जो है प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब रहे और वो प्रॉफिट जो मेरा है वो आज का छोटे लॉट में ये मेरा प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो इस ट्रेड का जो पीछे का लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज जब मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, तो जो हमने कल एक रेसिस्टेंस ड्रॉ किया था वहाँ पर मार्केट जो है वो ओपन होता है और उसके बाद में मार्केट ने इस लेवल के नीचे की तरफ ब्रेक किया, अगर ऊपर जाता तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट का काम करता और उसके बाद में एक 15 मिनट की कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हुई और यहाँ पर कोई भी पैटर्न हमें नज़र नहीं आया शॉर्ट करने का। और मुझे जो इंतजार था वो ये था कि ये मार्केट इस सपोर्ट तक आए, तो मार्केट ने ऐसा ही किया और मार्केट ने अपना सपोर्ट पे आकर के और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में पकड़ में आता है। तो दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, यानी कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो राइजिंग कर सकता है, ऊपर जा सकता है और ये मॉर्निंग स्टार एक लेवल पे बन रहा है। अगर बीच में या और कहीं बनता तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन ये एक लेवल पे बन रहा है तो यहाँ पर ट्रेड बन जाता है। और जो मैंने जो ट्रेड लिया था पहला ट्रेड वो मॉर्निंग स्टार कंप्लीट होने से पहले ही मैंने डोजी के बेस पे लिया था, क्योंकि जब भी डोजी जैसी कैंडल बन जाती हैं तो डोजी से यदि मार्केट ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाने की संभावना रहती है और नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाने की संभावनाएँ रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहला जो ट्रेड लिया था वो मैंने 10:16 पे लिया था, यानी इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो आपको दिखाता हूँ कि 10:16 पे ये देखिए आप ट्रेड जो 10:16 पे मैंने पहला ट्रेड ले लिया था। दूसरा ट्रेड मैंने तब लिया जब बिल्कुल ही मॉर्निंग स्टार बन चुका था और मॉर्निंग स्टार की जो कैंडल ने हाई ब्रेक किया तब मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया था। तो आइए देखते हैं, देखिए ये जो ट्रेड है आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो इसका जो नियम ये होता है इस कैंडल का इसमें ट्रेड लेने के लिए कि जो मॉर्निंग स्टार की तीसरी कैंडल है इस कैंडल के हाई को कोई कैंडल ब्रेक करती हैं तब ट्रेड बन जाता है, हम एंट्री करते हैं और उसके बाद में स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे का होगा, यानी एंट्री एबो दिस कैंडल एंड स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल। तो ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं कि 11:15 पे इसने हाई का ब्रेक किया था और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा था बाइंग का 220 का, और जब ये ऑप्शन 220 पे आया तो मेरी इसमें एंट्री हो गई। तो ये था लॉजिक। जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे बनता है तो हमें ट्रेड का डबल कन्फर्मेशन हो जाता है और स्टॉप लॉस के साथ में अपन ट्रेड ले सकते हैं। अभी वापस आ जाते हैं 15 मिनट में
तो ये ट्रेड लेने के बाद में एक स्टॉप लॉस लेके और मैं ये दो लॉट को ट्रेल कर रहा था और उम्मीद थी कहीं ना कहीं इस ये जो लेवल है रेसिस्टेंस यहाँ तक मार्केट आने का, और इस लेवल को यदि 15 मिनट की कोई कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो कंटिन्यूशन कैंडल है वो उसके हाई को ब्रेक करती तो हम ये मार्केट इस लेवल तक जाने की संभावना थी ट्रेड। और कल के लिए जो लेवल है ये लेवल जो हमारे हैं ये बिल्कुल कल भी वैलिड रहेगा ये सपोर्ट, और ये रेसिस्टेंस है और यदि मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और एक ये स्विंग हाई है तो कल एक लेवल ये यहाँ का एक और बन जाता है सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए जो कलर होगा वो ये होगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के और यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। यहाँ पर एक यही नया लेवल बनता है और एक रेसिस्टेंस का जो इलाका है छोटा वो यही बन जाता है, यहाँ ये रहेगा रेसिस्टेंस, यहाँ से मार्केट वापस टर्न कर सकता है। तो ये कल के लेवल है और देखते हैं कल क्या होता है, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।